रिकॉर्डिंग परमिशन दे दिया। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन डेट एंड टाइम फॉर्मूले के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सर हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, बट आपने मोस्टली क्वेश्चन किए हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं कर पाया, चलिए वो क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू से लिया गया है या किसी की कोई पर्टिकुलर एग्जाम से लिया गया है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, वो देखिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पूछा है कि मैं कोई भी मंथ डालू किस में, टैक्स में। मैं टैक्स में यहाँ पे डाला मार्च, तो इस महीने का स्टार्ट डेट और यहाँ पे एंड डेट अपने आप कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर नंबर में होता तो क्या करते, मान लीजिए कि 3 तीसरा अंक डाल रहा हूं, तो सिंपल कर लेते ना, क्या डालते हैं, डेट का फॉर्म। डेट में 2020 मंथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और हर महीने की स्टार्ट डेट तो 1 से ही होती है ना, आ गया। और एंड मंथ के लिए हम ईओ मंथ डाल देते, इसको सेलेक्ट करते कॉमा 0। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे अगर टैक्स में हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो उस केस में हम यहां पे क्या करेंगे, कॉनकेटनेट करेंगे। तो 1- कॉनकेटनेट हमने इसको सिलेक्ट किया, और फिर वापस -2020, क्योंकि हर महीने का फर्स्ट डेट तो फिक्स होता है ना, एंड डेट चेंज होता है। अब यहां पे ऐसा जवाब नहीं कर लिया, पर डेट जो है डेट फॉर्मेट में नहीं, तो इसको डेट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डेट बने, क्योंकि टेक्स्ट है जो कि कॉनकेटनेट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कॉनकेटनेट क्या देता है, रिटर्न करता है टेक्स्ट, क्योंकि वो टेक्स्ट रिटर्न वो टेक्स्ट ही करेगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हमें डेट वैल्यू का फॉर्मूला ना लगाना, तो डेट वैल्यू का फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो मैं यहां ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाऊं। ओके, ईओ मंथ, और हम सिलेक्ट करेंगे यहां 1- कोलकाता ने, हमने जैन लिया, फिर कोलकाता ने -2020, तो ईओ मंथ को टैक्स में नंबर दीजिए या जीरो में इसमें दीजिए, डेट में दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेट बना दे। बट लास्ट बनाया ना, फर्स्ट कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट निकलने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे ईओ मंथ, इसको सेलेक्ट किया और बोला -1, तो -1 करने से क्या होगा कि इस महीने की प्रीवियस महीने की लास्ट डेट, मतलब कि दिसंबर का डेट आ जाए, आ गया। और पिछले महीने की लास्ट डेट में +1 करते हैं, तो इस महीने की फर्स्ट डेट आ जाती है। यहां पे मैं जैन डालू, फैब डालू, तो स्टार्ट और एंड मंथ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए। ओके, भुवन जी एंड ज्योति जी, समझ में आ गया आपको चीजें? हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू। तो डेट एंड टाइम की टेस्ट फॉर्मूले के अगली सीरीज में हम बात कर रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चंस, जो कि है ड्यू डेट कैलकुलेट करने। तो ज्योति जी एंड भुवन जी, क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? जी सर। तो क्रेडिट कार्ड का आपका एक बिलिंग साइकिल होता होगा, और उसका एक पेमेंट डेट होता होगा, ड्यू डेट इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिलिंग साइकिल है 5 से 6, मतलब हर महीने की 6 तारीख से लेके अगले महीने की 5 तारीख की जो भी हम शॉपिंग करते हैं वो 6 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है, और 26 तक देना होता है।
अगर मान लीजिए मैं 1 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए 1 जुलाई को मैंने अगर शॉपिंग की है, तो उसकी ड्यू डेट होगी 26 जुलाई, क्योंकि वो 6 जुलाई को उसका बिल जनरेट होगा ना, 5 जुलाई को बिलिंग साइकिल पूरा होगा, 6 को उसका बिल जनरेट हो जाएगा और 26 तक दे रहा हूँ मैं। लेकिन मैं अगर बात कर लूँ कि मुझे अगर 10 जुलाई को परचेज किया है, तो वो तो अगस्त के 6 अगस्त को बिल जनरेट होगा ना, तो 26 अगस्त तक हमारा ड्यू डेट है। तो यही ड्यू डेट कैलकुलेट करने का यहाँ पर था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट? तो यहाँ पे हम इफ का कंडीशन लगाएंगे। इफ में डे, डे क्या करता है, इसमें से डे को अलग करता है। डे हमने यहां किया, अगर डे इज ग्रेटर देन है आपका 5, तो डे में हमने 2000 या ईयर में से हम ईयर, क्योंकि इसी का ईयर लेना ना, मैं इसमें से ईयर को ले लिया, कॉमा मंथ, इसमें से मंथ को अलग ले लिया, और डे हमारा 26 है। 5 तारीख 26 है मतलब कि प्लस 1, 5 तारीख से ऊपर की कैलकुलेशन है, मतलब कि जो डेट है उसके 26 तारीख, लेकिन अगले महीने की 26 तारीख, इसलिए हमने मंथ में क्या किया है, प्लस 1 कर दिया है। और फिर कॉमा करेंगे कि भाई इसमें सिर्फ इसी महीने की 26 तारीख, क्लियर है ज्योति जी? आपने दोबारा जो फिर लगाया डेट इयर्स, ये फिर दोबारा क्यों लगाया? तो 2 डेट है ना हमारे पास। मान लीजिए मैं अगर 26 तारीख फिक्स है, मंथ और ईयर फिक्स नहीं है, ये डेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो अगर परचेज 1 से 5 के बीच में हुआ है, इसका महीना मतलब है कि उसी महीने की 26 तारीख ये फॉल्स में आ गया। अगर 5 तारीख से ऊपर है, 5 से 30 के बीच में है, 6 से 30 के बीच में है, तो उसके अगले महीने की 26 तारीख, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आज हम कोई शॉपिंग करते हैं, इसकी ड्यू डेट कब आएगी? अगस्त में, क्लियर है? ये फिक्स डेट हो गया ना, 26 अगस्त 26 सितंबर, यानी कि 1 मंथ प्लस करके नेक्स्ट मंथ के 26 को फिक्स डेट हो गया ना ये तो। जी हाँ जी, ओके। तो डेट एंड टाइम की टेस्ट फॉर्मूले में, टेस्ट क्वेश्चंस की अगली क्वेश्चंस में बात करते हैं कि हमारे पास एक डेट है, इसमें मुझे 3 साल 5 महीने और 25 दिन ऐड करने। तो ज्योति जी, मैंने ये आपको डेट की फॉर्मूले के पहले ही एग्जांपल में समझाया था, बट आप नहीं समझ पाए। इसमें मेरा वो वीडियो ही खत्म हो गया, मैंने कहा था ना रिप्लेस हो गया, मैं बात इसमें मुझे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेट का फॉर्मूला लेंगे, ईयर, इसमें से हम ईयर को पिक कर लिया प्लस 13, फिर मैंने यहां मंथ दिया, यहां मंथ को पिक किया प्लस 4, मतलब कि मैनुअली भी दे रहा हूं, बट आप लिंक भी कर सकते हैं। और डे, इसमें से डे को अलग किया और हमने क्या कर दिया 20। इतने दिन बाद ऐड होने के बाद आपके सामने रिजल्ट दिख रहा होगा। तो हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे, पहले अलग अलग करेंगे, फिर उसमें जो भी इंटरवल्स हैं वो इंटरवल हम जोड़ते चले जाएं। सर, इसमें एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इस डेट में हमें 3 साल 4 महीने 25 दिन ऐड करने, okay?
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉर्मूला, रीच मिलना होगा तो चलिए। डेट एंड टाइम की टेस्ट सीरीज की अगली क्वेश्चंस है और लास्ट क्वेश्चंस है कि मुझे यहाँ पे वर्किंग आवर कैलकुलेट, मान लीजिए कि मैं आज ही के डेट 27 जुलाई 2020 को 15 बजे मतलब कि 3 बजे ऑफिस गया और 28 जुलाई 2020 रात के 2 बजे ऑफिस से मैं छूटा, मैं कितना घंटा वर्क किया। देखिए डेट से आपका टाइम जो है सेम डेट का है, जैसे मान लीजिए सुबह आप ऑफिस गए और शाम में आप ऑफिस से आ गए, सेम डे। तो आप शाम में जो ऑफिस आ गए थे पीएम का दीजिए, पीएम का पीएम का, तो उस केस में क्या करेंगे आप, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर देंगे, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बट अगर चेंज हुआ, जैसे मैं दोपहर में गया ऑफिस और रात को मैं 2 बजे या 3 बजे ऑफिस से बाहर निकला, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि तो किसी भी डेट को लोअर माइनस अपर नहीं हो सकता, क्योंकि तो 3 AM अगले दिन का हो गया ना, और अगले दिन का है इसके लिए यहाँ पे कोई है नहीं, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए क्या है कि दोनों टाइम को आप डेट एंड टाइम के साथ लिखो। जैसे आज की मैं लिखना चाहता हूं 27:14 बजे मतलब कि दोपहर के 2 बजे मैं गया और 28 रात को 3 बजे ऑफिस से आया। अब लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम कीजिए, आपको यहां पे रिजल्ट निकल जाएगा। बट कि मेरे पास दो अलग अलग है, तो आप कैलकुलेशन करते समय ब्रैकेट में क्या करें कि लेटेस्ट डेट एंड डेट में टाइम को ऐड कर दीजिए माइनस फिर ओल्डेस्ट डेट में टाइम को ऐड कर दीजिए। तो होता क्या है कि जो डेट होता है अब इसकी जनरल फॉर्मेट अगर आप करते हैं तो नंबर लिखेगा, और टाइम को अगर जनरल फॉर्मेट करते हैं तो क्या दिखेगा, डेसिमल दिखेगा, और दोनों तो आपको नंबर डेसिमल दोनों होता है, मतलब कि जो नंबर में हो टाइम डेट है और डेसिमल में आपका टाइम, दोनों को प्लस करके हम इजीली उसको माइनस कर सकते हैं। बट फॉर्मूला वही है, लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट। हां जी सर, आगे सुनिए एक और नंबर सर, आगे 4 नंबर, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने बता दिया। सर एक और था आगे से, स्टार्टिंग से एक और था जो आपने कहा था गलत बनाया आपने। ये टेक्स्ट फॉर्मूले है ना? हाँ ये वाले। तो इसके लिए रैप फॉर्मूला का जो है मैंने आपको अभी एक व्हाट्सएप किया है वीडियो, आप उस वीडियो को देखें और फिर से दोबारा। ओके okay?